बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम का पार्ट टू पढ़ चुके हैं, तो उसमें न्यूरल ट्यूब को हम लोगों ने प्रॉपर एक्सप्लेन कर लिया था। आज हम लोग जाएंगे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की तरफ। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हमें इस वजह से होते हैं कि जब मदर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही होती, तो उस वजह से बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं। तो वी हैव अ न्यूरल ट्यूब, ये हमारे पास न्यूरल ट्यूब है, ये इसका सेफेलिक एंड है और ये इसका कॉर्डल एंड है। इधर हमारे पास एंटीरियर न्यूरोपोर होता है और इधर हमारे पास पोस्टीरियर न्यूरोपोर है। एंटीरियर न्यूरोपोर हमारे पास 25th या फर्टिलाइजेशन पे क्लोज हो जाएगा और जो पोस्टीरियर न्यूरोपोर है वो हमारे पास 27th या फर्टिलाइजेशन पे क्लोज हो जाएगा। अब हम लोग जाते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की टाइप्स की तरफ। तो हमारे पास न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्पाइना बाइफिडा, सेकंड वन क्रेनियोर किस्केसिस एंटीलोपली, एंड फोर्थ वन वी हैव एनेंसिकली। सबसे पहले हम लोग स्पाइना बाइफेडा की तरफ जाएंगे। तो स्पाइना बाइफेडा में सिंपली ये हो रहा है हमारे पास कि जो मेनिंजेस है वो उसकी प्रोट्रूशन हो जाएगी, जिसकी वजह से बेबी को स्पाइना बाइफेड होगा। लाइक ये आप ले लें हमारे पास बॉडी, ये वर्टिब्राए, ये मेनिंजेस, स्पाइन एंड हियर इज स्पाइनस प्रोसेस। वर्टीब्रा, ये हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस, स्पाइन एंड मेनिंजेस। अच्छा, अब इसमें इस तरह से होगा कि हमारे पास मेनिंजेस की और स्पाइन की प्रोट्रूशन होगी, सिंपली मेनिंजेस की प्रोट्रूशन होगी, लेकिन जब रेयर केसेस होंगे तो उनमें स्पाइन की प्रोट्रूशन भी हमारे पास होगी। तो इस तरह से होगा कि हमारे पास जो मेनिंजेस है, अगर हमारे पास जो सेफेलिक एंड पे जो एंटीरियर न्यूरोपोर था, अगर वो हमारे पास ओपन रह जाएगा तो मेनिंजेस उससे बाहर रहेगा, तो प्रोट्रूशन उसकी इस तरह से होगी कि स्पाइनस प्रोसेस में गैप आ जाएगा और इस तरह से इसकी प्रोट्रूशन हो जाएगी। तो इसे हम लोग कहेंगे स्पाइना बाइफेडा। सेकंड हम लोग चलेंगे क्रेनियोर किस्केसिस की तरफ, जो इसकी सेकंड टाइप है, क्रेनियोर अच्छा स्पाइना बाइफेडा जो है हमारे पास मैक्स ज्यादातर जो है वो लंबोसेक्रल रीजन पे हमारे पास स्पाइना बाइफेडा होता है। क्रेनियोर किस्केसिस की तरफ हम लोग जाएंगे, तो ये भी हमारे पास न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। तो इसमें ये होता है कि हमारे पास जो ऑर्बिट्स हमारी आईज है, इनके ऊपर वाला हिस्सा नहीं बन रहा हमारे पास, इसकी डेवलपमेंट नहीं होगी और इसमें जो हमारे पास ब्रेन नहीं बनेगा, इसमें ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होगी। और इसमें जो है हमारे जो वर्टिब्रा हैं उनके ऊपर भी लेयर मौजूद नहीं होगी। थर्ड पे हमारे पास जो आ रहा है वो एनएनसी फैली है, जो क्रेनियर किस्केसिस है उसमें जो हमारे पास बेबी का माउथ होगा, लाइक इस तरह से आप ले लें कि ये एक प्रॉपर अगर माउथ बन रहा है तो उसमें ये होगा कि हमारे पास ये जो ऊपर वाला एंड है ये मिसिंग होगा, ऑर्बिट्स के ऊपर वाला एंड जो है वो हमारे पास मिसिंग होगा, वो डेवलप नहीं हुआ होगा। अब हम लोग आ जाते हैं एनएनसी फेली की तरफ। एनएनसी फेली जो है हमारे पास बर्थ डिफेक्ट है। इसमें हमारे पास जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर होता है,
सेरिब्रल हेमिस्फेयर इसमें जो है वो हमारे पास मे बी प्रेजेंट हो और मे बी नॉट प्रेजेंट हो। उसके अलावा हमारे पास पोन्स, मेडुला और मिड ब्रेन ये चीजें भी इसमें एब्सेंट होती हैं, और इसमें इस तरह से होता है कि ब्रेन की भी प्रॉपर डेवलपमेंट इसमें नहीं हुई होती। उसके अलावा ब्रेन की अगर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगी तो ये जो इसकी ब्रेन जो है ऊपर वो हमारे पास जाके एमनियोटिक फ्लूइड के साथ मैच कर जाएगा, जिसकी वजह से हमारे हमारे पास जो हो जो बेबी है उसको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। इस तरह के जो केसेस हैं ये लाइक 1 लाख बच्चों में से कोई एक ऐसा बच्चा होता है जिसे एनेंसीफेरी होती है, और ये फीमेल्स में ज्यादा है और मेल्स में कम होता है। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ हमारे पास है वो है हमारे पास एनकीफ्लोक्ली। इसमें हमारे पास इस तरह से होगा, एनकीफ्लोक्ली में हमारे पास इस तरह से होगा कि सेक लाइक प्रोट्रूशन ऑफ ब्रेन होगी, सेक लाइक प्रोट्रूशन ऑफ ब्रेन, और उसकी जो फर्दर लेयर्स होंगी जो हमारे पास बन रही होंगी लेयर्स स्कल की मदद से, तो उनकी प्रोट्रूशन सेक लाइक होगी जो पीछे की तरफ जाएंगे, लाइक ये किसी साइड में मूव कर सकते हैं मगर मैक्सिमम इनकी जो सेक लाइक प्रोट्रूशन होगी वो हमारे पास बैक की जो ऑक्सिपिटल एरिया लाइक इस तरह से आप ले लें। ये हमारे पास अगर बेबी है तो इसकी प्रोट्रूशन जो है ब्रेन जो है इस तरह से बैक पे बना होगा, या कहीं नोज की तरफ भी जा सकता है, किसी तरफ भी जा सकता है, ऊपर इधर भी आ सकता है, मगर ज्यादातर जो रेयर केसेस हैं उनमें जो है ब्रेन की प्रोट्रूशन बैक साइड पे होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।